हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव करवा दिया था उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव करवा रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, इसमें हम आपको पॉजिटिव करवा दिया था, आप इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे। हमारा जो मेन परिवर्तन है वो वर्ब में होगा, तो वर्ब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू या डज, प्लस में लगेगा नोट, और प्लस में लगेगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। मेन चीज ये है, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे लगता है जिन सेंटेंसेस के अंदर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं होता है। जिन सेंटेंसेस के अंदर डब्ल्यू एच वर्ड होता है उसके बाद नोट हमेशा फोर्थ नंबर पे आ जाता है। अब यहां पे जो सब्जेक्ट है उसके साथ में डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव फॉर्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसमें हम आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ के डू और डज के बारे में बताते हैं। डू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डज है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हमने आपको पहले भी डिस्कशन में बताया था कि ओनली फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का ही इस टेंस के अंदर लेना देना है, बाकी किसी का नहीं है। वर्ब की सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म आपको देखने को नहीं मिलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब डू एज ए हेल्पिंग वर्ब और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करता है। अब यहां पे मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू लगेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि जो यू वी दे आई होते हैं प्लूरल है। डज यानी कि फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट कंटेन करता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज लगेगा। और जब भी आपको डू डज लगा के नोट लगाना पड़े तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कंटेन करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वहां पे आएगी। कभी आप इसमें फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है डू और डज के साथ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर से सुन लो, डू फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, तो अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट लेती है। डज हमेशा सिंगुलर होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है, तो डू के साथ देखो ई एस लग गया तो डज बन गया ना, तो हो गई ना फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगी अपने साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट होगी लेगी, और हमेशा डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यानी कि बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम आपको सेंटेंस आगे करके दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा राम क्रिकेट नहीं खेलता है, मैंने कहा राम क्रिकेट नहीं खेलता है। अब यहां पे राम क्रिकेट नहीं खेलता है तो राम सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हिंदी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, नहीं नकारात्मक सेंस दे रहे हैं, और खेलना क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। अब यहां पे ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, तो यहां पे जैसे हमें क्या करना है, हमारे स्टेटमेंट के अनुसार सब्जेक्ट पहले लेना है, तो हमने सब्जेक्ट पहले ले लिया राम। राम सिंगुलर है तो हमें डू और डज में से सिंगुलर क्या लेना है, डज, थर्ड नंबर पे हमें नोट लगाना है, तो राम डज नोट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, खेलना, खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले, क्या खेलता है, क्रिकेट, तो यहां पे लग गया क्रिकेट, ये आपकी स्टेटमेंट बन गई, राम डज नोट प्ले क्रिकेट। जैसे दूसरा सेंटेंस आपके सामने आ जाए, वह, ये प्लूरल का दे देते हैं हम आपको, मैं गाना नहीं गाता हूं, मैं गाना नहीं गाता हूं, मैं, आई, आई प्लूरल काउंट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग, आ, सॉन्ग। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव फॉर्मूला है। इसके अनुसार हमने अभी अभी आपके सामने दो सेंटेंस सोल्व किए हैं, एक पे सिंगुलर सब्जेक्ट का, एक प्लूरल सब्जेक्ट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपके सामने इंटरोगेटिव और करके दिखाते हैं।
इंटरोगेटिव में क्या होता है, जब भी हम यस और नो का इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हमेशा हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब अभी हमने बताई थी डू या डज है, तो ये सब्जेक्ट से पहले आ गई। उसके बाद डू और डज के साथ जो मेन वर्ब लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल इंटरोगेटिव के साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना जरूरी है। अब यहां पे आप ये इंटरोगेटिव ओनली यस और नो के इंटरोगेटिव बता रहे हैं, मैं डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगा रहा हूं इसके साथ। डब्ल्यू एच वर्ड लगाऊंगा तब आपको डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव बताएंगे। फिलहाल हम नॉर्मली वे में, जैसे ये कंफर्मेशन के लिए होता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, जैसे मैं कहूँ डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो, डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो, डू यू रन, क्या आप दौड़ते हो, डज ही प्ले, क्या मैं खेलता है, डज सी कुक, क्या मैं पकाती है, इस प्रकार के सेंटेंस के लिए, कंफर्मेशन के सेंटेंस के लिए ये स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सॉरी इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अब यहां पे देखिए डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं। अब मैंने कहा क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं, तो आप क्या कहोगे इसमें, क्या के लिए डू या डज में से लेंगे, आप क्या है यू है तो यू के लिए क्या लगेगा डू, तो डू यू लर्न, सीखने के कहते हैं लर्न, और अंग्रेजी क्या कहते हैं इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, साइन ऑफ इंटरगेशन। क्या वह सच बोलता है, साइन ऑफ इंटरगेशन। क्या वह को क्या कहते हैं ही, तो डज ही स्पीक द ट्रूथ। यहां पे स्पीक्स नहीं आएगा क्योंकि यहां पे डज आ रहा है, पहले यहां पे एसईएस लग चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सेम वही है, डू या डज में से डज ले लिया, सब्जेक्ट ही ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक ले ली, ऑब्जेक्ट द ट्रूथ ले लिया, डू या डज में से डू ले लिया, सब्जेक्ट यू ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न ले ली, ऑब्जेक्ट इंग्लिश ले लिया। हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप लोगों को समझाने लग रहे हैं, सब कुछ खेल वर्ब का है, डूडल्स का है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो दोनों में सेम भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको इंटरो नेगेटिव सिखाते हैं, इंटरो नेगेटिव के अंदर क्या किया जाता है। इंटरोगेटिव में नकारात्मक वर्ब बन जाता है फॉर्मूला। मैंने कहा था नोट थर्ड नंबर पे आपको लगाना है, तो जैसे डू और डज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है। यानी कि डू डज के साथ में यहां पे नोट आ रहा है लेकिन सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ये बात ध्यान रख लेना आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे इंटरोगेटिव में हम कहें क्या वे क्या वे दौड़ते हैं, क्या वे सॉरी नहीं दौड़ते हैं, क्या वे नहीं दौड़ते हैं, क्या हम विद्यालय नहीं जाते हैं। ये दो सेंटेंस आपके सामने है, तो क्या वे नहीं दौड़ते हैं, तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, वे है तो यानी कि दे है, दे के साथ क्या लगेगा डू, बिकॉज दे इज प्लूरल तो डू लगेगा, डू दे नॉट, थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है हमने बताया था, डू दे नॉट रन, क्या हम विद्यालय नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू स्कूल। एक मैं बोल के बताता हूं, हिंदी नहीं लिखूंगा, क्या वह चाय नहीं पीता है, तो डज ही नॉट टेक टी। तो ये सेंटेंस आपके सामने थे जो हमें ये बता रहे हैं कि ये इंटरो नेगेटिव है। इंटरो तो इसलिए है क्योंकि ये पर्सन से स्टार्ट हो रहे हैं, हेल्पिंग और स्टार्टिंग में आ रहा है सब्जेक्ट से पहले, और नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इसके बाद ये नकारात्मक सेंस भी दे रहे हैं। आई होप आपको इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव ये आपको समझ में आए होंगे,
और अगली जो आपकी वीडियो होगी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होगी, कैसे हम इनको ट्रांसलेट करते हैं उनके लिए, रूल्स आपको बाकी समझा दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।